हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो हम लोगों ने आपको मैंने पढ़ाया था मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड। अब यहाँ देखें सारे लोग कि हम लोगों ने मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन एनालाइज किया था और हमने आपको पढ़ाया था, बस दो मिनट में रिवीजन कर देता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। उसमें हमने कटर इस तरह पढ़ाया था आपको, कुछ कंसंट्रेशन टर्म जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट की वजह है वॉल्यूम, जिसमें जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि वॉल्यूम, कोई भी चीज़ टेम्परेचर चेंज होने पर वॉल्यूम भी चेंज होता है। इसमें हमने चार को रखा था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू बाय वी, दूसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये तीसरा मोलैरिटी, चौथा नॉर्मैलिटी। ये चारों में वॉल्यूम है। पहला इंफॉर्मेशन ये आपको होना चाहिए कि ये चार कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब मास है, मतलब वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास, या आप ये भी कह सकते हैं नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम। मास किसी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसमें भी चार आते हैं, परसेंटेज बाय मास, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, नंबर टू मोलैलिटी, फोर्थ थर्ड मोल फ्रैक्शन और चौथा पार्ट्स पर मिल। शायद हम लोग यहीं तक एंड किया था, क्या सब लोग मालूम है यहीं तक एंड किया था? बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आज हम लोग कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे, उस पर मुहारी करेंगे। ये इस चैप्टर का बहुत ही मेन पार्ट है। नॉट ओनली दिस चैप्टर, आपको ट्वेल्थ में और इस चैप्टर में भी आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं इसमें आपको। इसमें सबसे पहले जो लिखिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बाय वी लिखिए सारे। यांशु, ये पहला टॉपिक है, नोट कीजिए। अब आइए, पहली बात परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है। तो पहली नॉलेज, ये एक मेथड है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। डब्ल्यू का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन न्यूमरेटर में डब्ल्यू आपको याद करने के में कोई परेशानी नहीं। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं मतलब भी समझाऊंगा, परसेंटेज है तो इनटू है, कोई भूलने वाला नहीं। डब्ल्यू मास ऑफ, हमेशा न्यूमरेटर में सॉल्यूट रहेगा, डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन होगा एक को छोड़कर। क्योंकि कंसंट्रेशन को बताता है तो इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन। अब आइए, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपके पास कुछ इस तरह का मान लिया कोई लैंग्वेज लिखे हुआ है,
कि मान लीजिए 10% मान लीजिए NaCl सॉल्यूशन और से सुनिएगा और W by V है, what does mean, मतलब आपको समझना है। कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में कमांड का पहला तरीका ये कि आपको बेसिक मीनिंग आने होनी चाहिए। 10% NaCl W by V का मतलब ये हुआ कि इट मींस 10 ग्राम W, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution. Did you understand everyone? Did you understand? Yes, sir. याद रखने का तरीका 10% को आप 10/100 लिख सकते हैं, तो रिलेट कर लीजिए 10 ऊपर है तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 100 नीचे है तो 100 ml of solution. और आप यकीन जानिए ये मीनिंग आपको आनी चाहिए, तभी आपको इसी छोटी छोटी मीनिंग से मोलारिटी कहेगा निकालो, नॉर्मेलिटी कहेगा। तो बताइए उर्वशी, पुलामी, स्नेहा, मानसी, कुमार, दिव्यांश, अक्षत, अध्यान, सुहानी, सब कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर, अंडरस्टूड, वेरी गुड। अक्षत सिन्हा, मैंने यहीं से शुरू किया है, आप पिछले क्लास में थे अक्षत? हाँ, चलिए हम लोग यहाँ तक एंड किया था ना, ये हम लिख चुके थे, नहीं तो आप वीडियो भी देखा होगा, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। यस, हाँ बस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखिए अब आप हम लोगों को सीरियस होना है, टाइमली क्लास ज्वाइन करना है एवरीवन, सुना सारे लोग, अब आप पुराने हो चुके हैं सारे लोग, ओके स्टूडेंट, सही कह रहा हूँ, बोलिए। तो टाइमली सबको ज्वाइन करना है 5:30 PM। अरे बोलिए ना अक्षत, दिव्यांशु, सब लोग तो बोलिए। हाँ या ना? Yes, sir. मैंने ज्वाइन कर लिया था। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, तो आप देखिए एक एक मिनट कीमती है 11th क्लास में, सब लोग एकदम, हाँ कोई इमरजेंसी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको नेग्लेक्ट करना है, जनरली सबको एकदम टाइमली आइए, टाइम क्या रिस्पेक्ट करना है हम लोगों को, तो बहुत फायदा हो। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। Done. Very good. Done. Very good. चलिए अब आइए दूसरा, मैं तीन की मीनिंग कराकर इन तीन पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, देन मैं चौथा टर्म शुरू करूंगा, पहले तीन पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। दूसरा टर्म आइए परसेंटेज बाय मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में W बाय W कहते हैं। अपने से फॉर्मूला बनाइए, बताइए क्या लिखें ऊपर न्यूमेरेटर में, जल्दी बताइए सारे लोग। मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाय बोलिए क्लियर। अब माले मीनिंग, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर कोई ऐसे लिख दे 20% HNO3 सॉल्यूशन, मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ दूसरे मीनिंग पर, और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आपको होगा एकाध क्लास में, व्हाट डज मीन 20%, तो 20/100 लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है HNO3 बताइए, प्रेजेंट इन बोलिए बोलिए सारे लोग, प्रेजेंट इन 100 ml
नहीं नो नो वाईएमएल ग्राम होगा ना, मास है, यस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यही गलती नहीं करना है, मास है ना, मास ऊपर दोनों दोनों में मास है, ग्राम ग्राम, यहाँ नीचे वॉल्यूम था, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर, ओके। गुलामी स्नेहा को समझ में आ रहा है? यस सर। दिव्यांशु आप नहीं कुछ बोल रहे, आपको समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, लिखिए अभी क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही अच्छे। और हम आपको देखिए कोचिंग का तो अपना एक असाइनमेंट जाता है ना सबको, ठीक है? यस सर। एक असाइनमेंट हम भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, तो आज जो मैं 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा उस पर मैं 12-13 क्वेश्चन करूंगा, सबको भेज और मेरे नंबर पर भेजिए, तब आपका एक एक क्वेश्चन पर कमांड होगा, सुना? टॉपिक वाइज कमांड करना है, एक क्वेश्चन को जब 10 दफा कीजिएगा ना तभी समझ में आएगा, सुना एवरीवन? हाँ, जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो भेजेंगे, जो नहीं है वो कोई बात नहीं, ओके स्टूडेंट? ओके सर। हाँ चलिए आप बताइए, कुमार आयुष आप कुछ बोल नहीं रहे, आ रहा है समझ में? यस सर। बहुत अच्छे। तीसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में वी बाय वी, चलिए अपने से फॉर्मूला बनाइए, बोलिए बोलिए सारे लोग मिलके क्या बनाइएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हां वेरी गुड उर्वशी, बहुत तेज हो गई हैं आप, गुड वेरी गुड। अरे अधियान तुमको समझ में आ रहा है? अधियान बाबू आ रहा है समझ में? कुछ तो बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब अगर किसी नुमेरिकल में तरा, हाँ बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे, गुड। 50% H2SO4 सॉल्यूशन है और V by V दे दिया, चलो अधियान कोई नहीं बोलेगा, अधियान तुम मीनिंग समझाओ इसकी, घबराना मत, गलत या सही बोलो तब सही होगा। 15% H2SO4 V by V का मतलब बताइए, इट मीन्स, चलिए पुलामी बहुत तेज स्टूडेंट है, पुलामी आप बताइए। So 15 ml of H2SO4। हाँ बोलिए अधियान, आप रुक जाइए, हाँ 15 ml। अधियान आपकी आवाज क्लियर नहीं है, रुक रुक की आवाज आ रही है, आप रुक रुकिए आप, ये पुलामी बताइए 15 ml of H2SO4 yes present in 100 ml of solution। बहुत बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। और यही सोडा वाटर का जोश हर न्यूमेरिकल में होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं, तो आपको समझिए कि आगे के न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चलिए लिख लीजिए, अब मैं न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहा हूँ, आपकी PhD करा रहा हूँ मैं, लिख लिया तो बताइए। एक सेकंड के लिए सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जरूर जरूर, हाँ एक मिनट लिख लीजिए। यस सर। ठीक ओके। संडे को मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन है, सारे लोग आएंगे, सुना सारे लोग, दोबारा हम पीछे से भी रिवीजन कराएंगे आपको, अरे बोलिए ना, और आगे भी, हाँ जोर से बोलिए। टाइमिंग वो हम आपको मैसेज चला जाएगा, घबराइए नहीं, मैसेज चला जाएगा। हाँ अगले संडे को मोलारिटी वगैरह इस वाले का रिवीजन होगा, चलिए लिख लिया, आगे बढ़े बताइए सारे लोग। यस सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, पहले इस 3 टर्म पर मैं आपको कमांड करवा देता हूँ, फिर मैं मोलारिटी वगैरह शुरू करूंगा। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज W/W इफ डेंसिटी
of solution is 1.2 ग्राम पर ml. पहला ऑप्शन 8%. घबराइएगा नहीं, सब डाटा से बहुत आसान है, मैं अभी बताऊंगा आपको. 8.5%, 8.33%. पहले आप कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे. सर मैसेज कैसे करना है? उसको बोलिए सर मैसेज कैसे करना है? आई वाई सर, आई वाई सर, मेरा नाम आप नोट कर लें, इम्बेसात. क्या नाम है बोलिए? इम्बेसात सर. हेलो एवरीवन. अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए. हाँ है ना सर. हाँ वेरी गुड, इम्बेसात सर. सर आंसर भेजा. हाँ वेरी गुड. चलिए आप देखिए, कोई बात नहीं. चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं. चलिए कोई बात नहीं है, सारे लोग मिलके बताइए. परसेंटेज W बाय W का मतलब हुआ परसेंटेज बाय मास पूछ रहा है. yes, ठीक sir. है सर. हाँ हाँ एकदम आराम से सब लोग साथ दें. सारे लोग देखिए, जब भी कोई चीज आपको निकालने ना आए तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लीजिए जो कहे. देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, प्लीज देखिए बहुत आसान है. डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. बेसिक से ही आप आगे बढ़ेंगे इनटू 100. आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूट हम लिख लिख के समझा रहे हैं आपको. बताइए सारे लोग, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम दिया हुआ है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना. यस सर. मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ. और एक आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ. कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में जो आप टॉपिक पर है, सेकंड पार्ट, मूल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट, डेंसिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चन में डेंसिटी आएगा. और डेंसिटी के नाम से आपको घबराना नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में डेंसिटी देगा. ये बात माइंड में रखना है, डेंसिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल से. अब आइए और से सुन. हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तभी परसेंटेज निकलेगा. मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है तो बताइए. सारे लोग बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ वेरी गुड. यहाँ देखें सारे लोग. हाँ ओके मानसी अक्षर, यहाँ देखें. मास ऑफ सॉल्यूशन तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? बोलिए बोलिए, गवाही दीजिए, बोलिए ना साइंटिस्ट. यस सर. देखिए वॉल्यूम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी भी दिया. जब तक आपका माइंड इस तरफ नहीं जाएगा, देखिए 100 ml डेंसिटी 1.2 120 ग्राम. बस दिस इज आसान, दिस बिकम्स आसान. देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. बताइए सॉल्व करने आया या नहीं आया? बोलिए सारे लोग. तो 100 बाई 12 को जब करेंगे तो कितना आएगा? 100 by 12 को करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 8.33. बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट का आंसर आया सही है. तो बताइए कोई टफ लगा? जब भी ना बने फार्मूला लिख लीजिए. फार्मूला में देखिए कौन नोन है कौन अननोन है. पहले आप नहीं लिखिएगा ना तो आपको कंफ्यूजन होता है क्या करें. हाँ तो बहुत सारे लोगों को जल्दी आ जाता है, नहीं आ रहा है समझ में, अब फॉर्मूला लिखे. मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. बोलिए आया सबको समझ में हाँ या ना? सबको समझ में आया? हाँ. यस सर. सुहानी आपको आया? यस सर. गुलामी, स्नेहा, दियांशु, सब आया आपको समझ में? यस सर. यस सर. बहुत अच्छे.
लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। बहुत अच्छे, हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर टू, ये सब लोग कीजिएगा, बहुत आसान है। इस पर आसानी क्वेश्चन रहते हैं, इसमें टफ नहीं। इसका इस्तेमाल दूसरे कंसेप्ट में होगा जो आप पढ़ेंगे अच्छे नंबर। इस पर मैं डायरेक्ट वाला क्वेश्चन सब करा रहा हूँ मैं। 120 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 2 kg ऑफ सॉल्यूशन। द density of solution is 2 g/mL. Find A part W/W, B part percentage W/V. चलो बना के देखेंगे, ये बहुत आसान है, जल्दी बना के देखेंगे आराम से। आई वाई सर पर मैसेज कीजिए, सारे लोग बताइए। क्या अक्षर अभियान का भी आ गया, वेरी गुड। स्नेहा का भी आ गया, वेरी गुड। कुमार आयुष का पहला, कुमार आयुष ये किसका आंसर है, पहला या दूसरा ये लिख दीजिए। सब लोग दीजिए। उर्वशी, सुहानी, मानसी एंड कुलामी, दिव्यांशु, सब लोग दीजिए आंसर प्लीज। उर्वशी का पहला आंसर आया। ठीक है, पुलामी देख चुक कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभियान का भी आंसर आ गया, दिव्यांशु का आंसर भी आ गया, वशी का एक आंसर आ गया, मानसी, मानसी हमको लगता है 100 से मल्टीप्लाइड नहीं किया है, 100 से मानसी फिर से चेक करें, आपने 100 से लगता मल्टीप्लाइड नहीं किया, क्या मैंने भी 100 भूल गया? यस सॉरी, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। हां हां हां, तो फिर चल, मैंने सोचा मैं भी 100 नहीं किया हूँ क्या, हाँ परसेंटेज कौन 100। तो देखिए शिव सिन्हा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारा आयुष आपका सर, ये वाले दूसरे का अभी कर दिए, ओके ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। सब लोगों का आंसर आ चुका है, सुहानी सिंह का नहीं है। सुहानी सिंह आप तो साइंटिस्ट लाइक स्टूडेंट हैं, आपका क्यों नहीं आ रहा है? सुहानी सिंह प्लीज, सुहानी कैन यू हेयर मी। अब आपके पास आ गया, इसमें आपके पास है मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मैं पहले डाटा लिख देता हूं 120 ग्राम, दूसरा मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है 2 kg, आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, ग्राम ही में लेना है। चलिए बहुत आसान है, पहला परसेंटेज W/W, तो मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 100 परसेंटेज का मतलब ही वह 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 6% आया, इनका भी 6% आया, दिस इज करेक्ट आंसर। अब आइए बी, अब हमें W by V निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पहले हमें वॉल्यूम निकाल लेना है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो निकलेगा कैसे निकलेगा बताइए, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, सही लिखा, मास ऑफ सॉल्यूशन 2000 ग्राम, डेंसिटी आपको दिया हुआ है 2 ग्राम पर एमएल, तो आपके पास आया 1000 ml। अब यही चीज यहाँ पुट कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अगेन 120 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 है, आपके पास आ गया 6 and 12%। ये सबको समझ में आया या नहीं आया, बहुत आसान है, इनका भी आया है। अब जो 0.06 0.12 लिखे हैं वो आपको लगता है वो 100 से मल्टीप्लाइड नहीं किए थे, वो अपने ये सब सिली मिस्टेक है, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए जिनका आंसर है कॉन्ग्रेचुलेशन, चलिए सबको समझ में आया, हाँ या ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बोलिए। ये स्लाइड अब छप हुआ, सुहानी आपके क्वेश्चन निकल गया था, सुहानी आगे बढ़े, लिख लिया एवरीवन, ये स्लाइड कंप्लीटेड एवरीवन, यस सर। ये भी कंप्लीट हो गया, आयुष आपको समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़े, एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन है 6% W by V दिया हुआ है, तो मैं दूसरे अंदाज का क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड ए ऑप्शन 3%, बी ऑप्शन 7%, सी ऑप्शन 9%, डी ऑप्शन 12%। आपको W by V दिया हुआ है और W by W निकालना, आराम से, बहुत आराम से।
आगे सबके आंसर गुलामी का 3% आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। एकदम आसान है, समझिए। हमारा आयुष का भी आ गया, सुहानी सिंह का भी आ गया, उर्वशी गुप्ता का भी आ गया। गुड गुड गुड, चलिए सब लोग दीजिए, वेरी गुड। अक्षत, आपको समझ में आ रहा है? अक्षत आंसर दे दीजिए। दिव्यांशु, सबको आ रहा होगा? वेरी गुड। मानसी का भी आ गया, बहुत अच्छे। वेरी गुड, दिव्यांशु, अक्षत और स्नेहा, आप सबका आंसर नहीं आ रहा अब तक। इसके करने के दो मेथड हैं। मेथड आप सुनिए, ये लैंग्वेज और से सुनिए, मेरी बात सुनिए अच्छे से। परसेंटेज W बाई V क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स है, हाँ या ना? जल्दी बताएं सारे लोग। और परसेंटेज W बाई W, ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको W बाई V को W बाई W में कन्वर्ट करना है। जो कंसंट्रेशन गिवन है, आपके पास गिवन है 6%, आप इसकी मीनिंग लिख लें। याद आया मीनिंग जो मैंने लिखवाया था? इसका मीनिंग हुआ 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए सारे लोग। यस सर। बस इस अननोन से आपने नोन डाटा निकाल लिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया आपके पास 6 ग्राम, मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपके पास 100 ml। W बाई W में मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 100 ml, डेंसिटी आपके पास दिया हुआ है 2 ग्राम, तो आपके पास हो गया 200 ग्राम। अब आपके पास परसेंटेज W बाई W हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास आ गया 6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 200 इंटू 3%। सर बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। दिव्यांशु, अक्षत, आपको आया समझ में? स्नेहा, हाँ, वेरी गुड। एक बात सुनिए, ये मैं लाइन बहुत दफा बोलूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं और आप लोग सुनिए एक मिनट। जब भी 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपके पास, जब भी एक कंसंट्रेशन दिया हुआ हो दूसरा निकालना, यानी कन्वर्जन कहते हैं इसको, एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे? तो उसका कंसेप्ट ये है कि जो गिवन कंसंट्रेशन है उसकी मीनिंग लिखिए। गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग, इससे आपको जो अननोन इंफॉर्मेशन है वो आप उससे नोन इंफॉर्मेशन निकालें। जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगी आपको, समझ में नहीं आएगा। तो 6% W by V, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, इससे दो डाटा मालूम हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। W by W निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, yes sir. Yes sir. Very good. ये स्लाइड हो गया कंप्लीट? Yes sir. इस क्वेश्चन को अब शॉर्ट ट्रिक्स करना चाहें, मैं शॉर्ट ट्रिक्स पहले हमेशा नहीं बताऊंगा, मैं पहले लॉन्ग पॉइंट बताऊंगा कि आपको कंसेप्ट मालूम हो। अगर आप 2 सेकंड में आंसर देना चाहते हैं तो परसेंटेज W by V is equal to परसेंटेज W by W into density of solution, याद रखिए। This is the shortcut. बस आप बताइए, परसेंटेज W by V 6 दिया हुआ था, परसेंटेज W by W निकालना था, डेंसिटी आपके पास कितना दिया हुआ था बताइए? 2 से 3 कैंसिल, 3 आ गया कि नहीं, जल्दी बोलिए। हाँ, अरे भाई बोलिए ना,
यस सर। ये पहला कंसंट्रेशन टर्म्स का पहला शॉर्ट ट्रिक्स आया, W बाई वी है इज इक्वल टू W बाई W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए देख लें, क्लियर बताइए। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप सोचने वाला है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप सोचिएगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा क्वेश्चन आपने लिखा, ये पहले बताइए क्वेश्चन लिखा। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन लिखा। अच्छा इस लाइन का मतलब बता दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, मतलब W by V कह रहा है कि नहीं निकालने के लिए? बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए। यस। देखिए देखिए सारे लोग फिर से सुनिए, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये इनडायरेक्ट वे में आपको क्या कह रहा है? अभी नहीं पढ़ाया था, अगर x परसेंट W by V है तो क्या मतलब होता है? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मतलब होता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। तो आपको W by V कह रहा है निकालने की, तो शॉर्ट ट्रिक से आंसर दे दीजिए जल्दी से, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। 7 ग्राम। हाँ यस गुलामी, बहुत 7 ग्राम इस का आंसर। बोलिए मेरी बात समझ में आई? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मतलब W by V निकालना है कि नहीं, ये बात सबको समझ में आई? मानसी, उर्वशी, रोशनी? यस सर। हाँ, देखिए आपको आंसर आ गया। हाँ कुमार आयुष, पिछला क्वेश्चन आप लिख लिया था, ये तो लिख लिया था ना आपने कुमार आयुष? यस सर। अब ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आपको दोबारा इसका आंसर बताते हैं। तो आप लैंग्वेज पर भी कमांड कीजिए कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस कह रहा है। लिख लिया।
बस तो आपको मालूम है डब्ल्यू बाई वी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए डब्ल्यू बाई वी आपको निकालना है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू 5 इंटू 1.5 7%। तो 7% का मतलब ये हुआ 7 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solution, so the answer is 7 gram. हाँ या ना जल्दी बताइए सारे लोग, 7% का मतलब यही तो हुआ। हाँ तो आपको इनडायरेक्ट वे में आपको W by V ही पूछ रहा था, वो लैंग्वेज लिख दिया। चलिए अब मैं आगे बढ़ूँ, सबको ये वाला पार्ट समझ में आया? Yes sir. अच्छा जिसको इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मुझे नंबर पर आप बताइएगा, क्योंकि मुझे तो सबका नंबर तो है नहीं, इसलिए जिसको चाहिए क्वेश्चन तो मुझ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए, ये मेरा नंबर है 2786 42। जो मांगिएगा, अच्छा सॉरी, तो मैं इस पर प्रैक्टिस के लिए आपको और भेज दूंगा, ठीक है सारे लोग? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नए टॉपिक पर आइए। तो ये आपका हुआ कि कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन आपने कर लिए, परसेंटेज जितने भी अभी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा वो परसेंटेज का था। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मोलैरिटी। इसको इस पूरे केमिस्ट्री में हम स्मॉल एम से डिवाइड करते हैं। अब आइए मोलैरिटी क्या है, तो पहले लैंग्वेज, ये कंसंट्रेशन बताने का एक मेथड है। सबसे पहली बात यहीं सब इम्पोर्टेंट गुफ्तगू शुरू होगी, तो नीचे लिखिए इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसलिए मोल्स पहले पढ़ा दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलना है सबको, मोल्स नहीं बोलना है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो डिफिनेशन हो गया, आपसे पूछेगा 11th में व्हाट इज द मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फार्मूला सर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, बोलिए हाँ या ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है हमेशा, डिड यू अंडरस्टैंड, दिस इज द मोलारिटी। अब बताइए सारे लोग मिलकर बताइए, क्या मोल्स निकालना सीखा कि नहीं आपने, बोलिए बोलिए yes, सारे sir, yes, बस उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना है, इसलिए टॉपिक ही पढ़ाया जा रहा है मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। कोई भी पहले तो डिफिनेशन पर फुल्ली कमांड हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब हम इतना ना लिखते हुए उसको शॉर्ट फॉर्म में NaB/V। अब मैं इस पूरे चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स में ए लिखूं तो आप सॉल्वेंट समझिएगा, लिख लीजिए कहीं पर वरना डाउट रहेगा, और बी लिखूं तो आप सॉल्यूट समझिएगा, NB लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये डिफिनेशन हो गई। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अब आप बताइए हाँ हाँ कुमार है जो मैसेज से ही आंसर दीजिए, हाँ हाँ बस रिस्पॉन्स होना चाहिए, चाहे आप माइक से रिस्पॉन्स दें या मैसेज के जरिए दें, दोनों में से किसी के जरिए, ठीक है। हाँ माइक से कोई जरूरी नहीं देना, आप मैसेज से भी दे सकते। तो बताइए मोलारिटी की डिफिनेशन सबको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलिए। यस सर। नंबर ऑफ, बस आप सुनिए इसमें बहुत बातें हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ाया उस पर मैंने न्यूमेरिकल कराऊंगा, अब इसमें डाइल्यूशन फार्मूला, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर फाइनल जो टफ टफ क्वेश्चन आएगा, तो पहले इस टर्म्स पर न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। सुना सारे लोग कि मोलारिटी निकालना सीखें। अब आइए पहले एकदम आसान क्वेश्चन, आपको लगेगा सर कितना आसान करा रहे हैं, लेकिन सुनिए आपको दे देगा पहले एकदम कि आपका कंसीडर हो, 4 ग्राम ऑफ NaOH मेरे साथ लिखिए डिजॉल्व इन, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, एकदम आसान क्वेश्चन, आपको कहेगा फाइंड द
मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। बताइए मोलारिटी के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आना चाहिए, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, यानी उसका मोलर मास 40 1/10 0.1। मैं इसलिए पहला आसान क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आए NB/V 0.1। आप बस एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ml है कि लीटर है, जल्दी बोलिए। ml है ना, कोई बोल ही नहीं रहा, चुप हो गया भाई। yes, sir. ml को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। लीटर तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए बोलिए बोलिए। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा ना। yes, sir. Yes, sir. अब मैं डायरेक्ट ऊपर 1000 कर दूंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोबारा 100 है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। तो जब भी अब वेरियस न्यूमेरिकल में जब भी ऊपर 1000 लिखा जाए तो समझ जाइए कि सर ने मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट किया होगा। एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना? नो नो सर। अब आइए इससे कैंसिल, वन कैपिटल एम ये यूनिट हुआ, या आप वन मोल पर लीटर लिख सकते हैं। मानसी आ रहा समझ में? yes, हाँ, बस पहला आसान क्वेश्चन कराया, दूसरा भी आसान दे रहा हूं वो आपके लिए, और आप गलत आंसर देंगे। बस मोलारिटी के लिए कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालिए, वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालिए, वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए। अच्छे क्वेश्चन भी अभी जस्ट होने वाले हैं। अभी एक और क्वेश्चन बेसिक वाला कर देता हूं कि आपको फॉर्मूला यूज करने आ जाए। क्या मैं आगे बढ़ूं, बताइए सारे लोग? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। असनाहा पुलामी आप लोग भी कुछ बोलती रहिए, समझ में आ रहा है ना साइंटिस्ट? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, अब मैं दीजिए सारे। कैपिटल एम मोलारिटी मोल पर लीटर। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी से अंदाजा होगा कि आप लोग कितना पढ़े हैं। आप बोलिए बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? बहुत अच्छे पुलामी, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आया, जल्दी बताइए। याद कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर कर देंगे कि नहीं, याद आया? प्रेजेंस ऑफ माइंड आया कि नहीं सबको? गिवन मास बाय मोलर मास नहीं होगा यहाँ। अरे बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, इसीलिए आपको देखिए ये जी मेंस का क्वेश्चन है, तब ये जी मेंस में इतना आसान क्वेश्चन आता है? आता है, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। कंपटीशन का ये मतलब नहीं है कि टफ टफ है, बेसिक से टफ होता है, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए याद रखना है कि आपका बेसिक एकदम मजबूत होनी चाहिए और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। बताइए, उम्मीद है कि सबका आंसर सही
मोल सबका सही आया होगा 10 मोल और हाँ देखिए मैंने क्या कहा बहुत मजा आएगा आप देखिए सिलेबस बहुत धाई धाई भागेगा आप देखिएगा 10/100 कैंसिल 100 लीटर है 0.1 है बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया बोलिए बोलिए सर यस सर एकदम माइंड में रखिए मोलारिटी निकालना हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोई टफ नहीं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही अप्रोच है थ्योरी बहुत कम है हाँ हाँ मानसी आपका 0.1 आया था मैंने चेक देख नहीं पाया आपका यस सर आ गया था वेरी गुड चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप आइए थोड़ा स्टैंडर्ड पर आगे बढ़ें जल्दी बताइए ये स्लाइड लिख लिया होगा आप लोगों ने यस सर इस चैप्टर में कुछ टाइम ही नहीं लगेगा खत्म होने में क्यों नहीं टाइम लगेगा थ्योरी है ही नहीं थ्योरी एक एक लाइन की है मोल क्या है एटॉमिक मास क्या है मोलारिटी क्या है सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इस चैप्टर कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है अब आइए तीसरा क्वेश्चन अब मैं स्टैंडर्ड दे रहा हूं और से सुनो लिखना शुरू कीजिए एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 63% HNO3 by mass. By mass का मतलब W by W. अब आपको इम्पोर्टेंट समझ में आएगा कि सर ने पहले ये क्यों पढ़ा दिया W by W. कैलकुलेट मैं खुद करूंगा दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे भले आपको आता हो टीचर जब समझाएगा तो आप सुनेंगे सारे लोग कैलकुलेट द मोलारिटी इफ डेंसिटी देखिए डेंसिटी बहुत सारे न्यूमेरिकल में आ रहा है कि नहीं सच सच बोलिए सच सच बोलिए डेंसिटी बहुत सारे कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में डेंसिटी का बहुत रोल है याद रख लीजिए दिमाग में कंसंट्रेशन लिखा आपने अच्छा हां फर्स्ट वर्ड क्या है एन एक्वस एक्वस हां एक्वस ठीक है इसी तरह पूछ लिया कि ये एक्वस एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 63% HNO3 By mass, calculate the molarity of density of solution is 1.25 gram per ml. मैं खुद करूंगा और मेरी बातों को सब लोग सुनेंगे और स्क्रीन को चेक करें स्क्रीन को देखेंगे इसके दो तरीके मैं समझाऊंगा स्कूल के एग्जाम में विदाउट ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप कैसे करेंगे और शॉर्टकट भी कैसे करेंगे लेकिन मेरा मशवरा है कि आपको दोनों मेथड से आना चाहिए क्योंकि इसमें इतने शॉर्टकट हैं कि आप हो सकता है फार्मूला भूल जाएं तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा इसलिए डिटेल में खड़ भी आनी चाहिए क्या मैं आगे बढ़ूं सब लोगों ने लिख लिया यस सर ठीक अब आप देखिए प्लीज सारे लोग सुनिएगा आप लिखिएगा नहीं मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे और से सुन आपको न्यूमेरिकल में W by W दिया हुआ क्या मैं सही कह रहा हूं हां या ना जल्दी बताइए परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है हां या ना यस सर आपको मोलारिटी में कन्वर्ट करना है और से सुन मैं फिर इस रिपीट करो मैंने कहा ना ये मैं इतनी दफा बोलूंगा कि हो सकता है आप इरिटेट हो जाएं गुस्साएं लेकिन गुस्साना नहीं है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं असल तरीका यही है जो कहते हैं कि कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो पाते वो कान खोल के सुने कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो दूसरी कंसंट्रेशन निकालने को कहे तो मैं क्या बताया था कि आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिख लीजिए जब आपका हाथ थरथराने लगे कैसे होगा तो नो कंसेप्ट को इसको कहते हैं कन्वर्जन एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन इतना ग्राम डिसॉल्व इतना लीटर फाइंड द मोलारिटी वो तो आप कर ही लेंगे मोल्स निकाल के वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे अब यहां है कि एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो सब में यही लाइन याद रखिए कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो दूसरी निकालने को कहे तो गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग तो ये 63% है इसका मतलब 63 ग्राम एकदम पहले सुनिए भले आपको आता हो पहले सुनिए प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या मैंने सही लिखा हाँ या ना यस सर एक ही आदमी ने क्यों बोला सब लोग बोलिए ना समझ में आया Yes, sir. अब इसमें दो अननोन को हमने नोन बना लिया मास ऑफ सॉल्यूट 63 ग्राम
और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से आप क्या करें, 100 ग्राम बस, ये आपको आ गया तो न्यूमेरिकल अपने आप प्रोसीड होगा। तो मोलारिटी निकालना पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, तो HNO3 का मोलर मास 1 plus 14 plus 48 63 ही आएगा, 1 मोल। दूसरा काम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल में कहीं पर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो हम डेंसिटी की मदद से निकालेंगे। याद आया हाँ या ना जल्दी बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100, डेंसिटी 1.25, उसको सॉल्व डेसिमल को ऊपर ले गए 125। पहले मैं यहां तक कुछ डाउट पूछूंगा, क्या यहां तक समझ में आया तो पूछ लिए, बोलिए बोलिए, यहाँ किसी को डाउट है यहाँ तक तब मैं आगे बढ़ूंगा। सुहानी, मानसी, दिव्यांशु, अक्षत, अध्यान, स्नेहा, सर नो डाउट, नो डाउट सर। हाँ फिर से मैं देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, आप गिवन कंसंट्रेशन के लिए, और मैं तो आपको हाँ गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिख लीजिए, आप शॉर्टकट को भूल जाइए, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट टीचर लोग पढ़ाते हैं, मैं भी बता दूंगा मीडिया को दिखाने के लिए, लेकिन आप कितने शॉर्टकट करेंगे। मोलारिटी अभी तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, मोलारिटी को मोलालिटी में, मोलालिटी को मोलारिटी में, नॉर्मेटिव कितना याद करेंगे आप, भूल सकते हैं, इसलिए नॉर्मल मेथड सबको आना चाहिए। और उसका तरीका ही यही है कि जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, आपको टफ लगने लगे, आप कुछ भी मत कीजिए, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखिए, उससे नोन अननोन इंफॉर्मेशन को नोन फॉर्म में लिखिए। अब आ गया, दिस इज आसान। आप देखिए मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 180 ml, ml है 1000 से डिवाइड, 1000 ऊपर चला गया, लीटर में कन्वर्ट किया तो आपको आ गया कितना, आ गया 12.5 मोल पर लीटर। सच सच बताइए समझ में आया कि बोलिए, कितना आसान था। एक कंसंट्रेशन डन, लिख लीजिए सारे लोग इधर का लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मानसी आपको समझ में आया, मानसी श्रीवास्तव, यस सर आ रहे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्नेहा घोष कोलामी को आ रहा है, यस सर, ये दिमाग में सेट कर लेना है, एक कंसंट्रेशन को 8 कंसंट्रेशन तक पढ़ा, एक दूसरे में जब भी कन्वर्ट करने को कहे कंसंट्रेशन की मीनिंग, यही बेसिक टूल्स है न्यूमेरिकल पर कमांड करने का। लॉन्ग कट शॉर्ट कट कुछ नहीं होता, अगर लॉन्ग कट भी अगर आपको आता है तो टाइम कम लगेगा, हम दोनों मेथड बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो करेंगे, लेकिन स्कूल के एग्जाम में विदाउट ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप इसी तरह करें। क्या ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए, लिख लिया एवरीवन? यस सर, यस सर। एक दो लाइन छोड़ के एक स्टार पॉइंट डालिए। लिख लिया आप लोगों ने तो बताइए, लिख लिया ठीक। आप सुनिए, अगर इसी को अगर आप चाहते हैं कि मेरा टाइम और बचे, हम दोनों आपको कहते हैं दोनों आना चाहिए, रिलेशन मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास कॉमा मोलारिटी एंड
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन सतर्क रहना है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर एमएल में ही होना चाहिए। ग्राम पर लीटर में होगा तो फिर ये शॉर्टकट नहीं होगा, इस्तेमाल ग्राम पर एमएल, इसलिए मैं जानबूझ के लिख दिया। तो मोलारिटी इज इक्वल टू शॉर्टकट से परसेंटेज बाय मास इनटू 10, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो 10 आ जाता है। डी डी का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। दिस इज द सेकंड कांसेप्ट। आप तक आइए, दो कांसेप्ट आपने पढ़ा, दो शॉर्टकट पढ़ा, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वे इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा कांसेप्ट, दिस इज द न्यू सेकंड कांसेप्ट। आप बताइए, इस न्यूमेरिकल में परसेंटेज बाय मास 63 दिया हुआ है, 10 रहने दें, डेंसिटी आपको 1.25 दिया हुआ है, मोलर मास 63, देखिए कैंसिल, 12.5 आ जाएगा कि नहीं 10 सेकंड में, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे कोई बोल ही नहीं रहा हो यार, सारे लोग बोलो ना। यस सर। ये शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। परसेंटेज बाय मास इनटू 10 हाँ बाय मोलर मास, ये दोनों आपको आना चाहिए, दोनों मेथड अच्छे से आना चाहिए। अब मैं आपका आईक्यू चेक करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, और आप सबको अच्छे से बनाना है, ध्यान देना है। क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अध्ययन पिछला कंसेप्ट समझ में आया? यस। चलिए ये आंसर आप अपने से दें, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें, आप इसको आराम से, और आईक्यू में चेंज सबको, जो कंसेप्ट मैंने अभी समझाया है आप उसी कंसेप्ट पर करें प्लीज एंड प्लीज। सोडियम का मोलर मास 23, ऑक्सीजन का 23 होता है, सोडियम का, ऑक्सीजन, मैं देखना चाहता हूं किनका सही हो रहा है इसमें, आराम से करें। सर हाँ बोलिए सर, आंसर चैट में लिखिए। हाँ वो मैं, हाँ कोई बात नहीं, गुलामी मोल पर लीटर एमएल नहीं, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर गुलामी, ये सब इसलिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ दो लोगों का, हाँ स्नेहा घोष, आप दोबारा चेक कीजिए, अध्ययन और पुलामी का आंसर आ चुका है, स्नेहा का भी आ चुका है। स्नेहा आप दोबारा आंसर को चेक करें, बाकी लोग आंसर दें। कुमार, आयुष, अक्षत, दियांशु, मानसी, सुहानी, उर्वशी, उर्वशी का भी आंसर आया, वेरी गुड, थैंक यू सर, भेज दिया। हाँ अक्षत आपका भी देख लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। सुहानी आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दियांशु, कुमार, आयुष,
Riyanshu का भी आंसर आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। मानसी श्रीवास्तव का आंसर भी आ चुका है, सही या गलत वो हम आंसर अभी किसी को नहीं बताएंगे, जब हम बताएंगे तब आंसर चेक कर लेंगे किसका सही है। उर्वशी आपका नहीं आया? सर मैंने कर दिया सेंड। अच्छा हाँ आपका आ गया, हाँ ठीक ठीक ठीक। सुहानी सिंह का भी आ गया, बहुत बेहतर, ठीक है भाई बहुत बेहतर। चलिए अब आइए, सारे लोग ध्यान दीजिए, आपको इस न्यूमेरिकल में क्या है, परसेंटेज W बाई V दिया हुआ है, इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये भी एक, सारे लोग सुनिए अब एकदम सुनिएगा, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, हाँ या ना जल्दी बोलिए। हाँ कोई बात नहीं कुमार, yes, sir. ठीक है, मैंने अभी क्या सिखाया था, जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करें, सारे लोग सुनिए, जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करें तो हम गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखेंगे। 6% W by V का मतलब हुआ 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ NaOH है, प्रेजेंट इन, सारे लोग बोलिए प्रेजेंट इन, जल्दी बोलिए अधियान, अधियान बताएं प्रेजेंट इन। सर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बेहतर, बस यहां से दो डाटा आपका आ गया, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट आपका आ गया 6 ग्राम, दूसरा इंफॉर्मेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। सच सच बताइए इस डाटा से हमने ये दो नोन डाटा ले लिया कि नहीं, जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, सारे लोग मिलके बोले यस सर। ना दिव्यांशु बोलने, ना अक्षत बोलने, ना कुमार आयुष, ना मानसी, ना पुलामी, ना सुहानी और उर्वशी, सब लोग बोलिए यहाँ आया या नहीं आया। यस सर। यस सर। बहुत बेहतर, आप सुनिए, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास, तो आपके पास 3/20 आया, ऐसे ही रहने। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 3/20 वॉल्यूम 100 ml, 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला गया, 1.5 जिनका भी आया है वो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद के मुबारक उनको। आप सुनिए यहाँ डेंसिटी दिया लेकिन यूज नहीं हुआ, जानबूझ के दिया आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्यों नहीं डेंसिटी का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम और इसकी मीनिंग में दिया ही हुआ है। बोलिए हाँ या ना, सारे लोग बोलिए मीनिंग में 100 ml दिया हुआ है कि नहीं। यस सर। यस सर। हाँ वो जानबूझ के डेंसिटी देगा, आपको खुद चूज करना कि कहाँ इस्तेमाल होगा कहाँ नहीं होगा। तो सर वो कैसे पता चलेगा, आप मीनिंग लिखें, मीनिंग लिखें, यहाँ W by V है, W by V, मीनिंग लिखें, इंफॉर्मेशन निकालें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया, जिनका गलत आंसर आया था सबको समझ में आया? सर सर सर। चल ये लिख लीजिए पहले ये सलाह, जिन्होंने नहीं लिखा है सर एक बात बोलनी है सर। हाँ हाँ बोलिए सर। हम सर ये सर आंसर सर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ना सर, कि पहले परसेंटेज मास बाय मास ढूंढ ले, फिर आपने जो पहले वाला फॉर्मूला बताया था वो कर। हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करें, हम इसका शॉर्टकट बता रहे हैं अभी आपको, लेकिन हम उतना क्यों करेंगे, उसमें निकालें फिर परसेंटेज बाय मास की मीनिंग लिखें, इट टेक्स टाइम, व्हाई व्हाई हम इसको लॉन्ग कट में जाएंगे, हम W बाय V की मीनिंग लिख लेंगे। अब हम W बाय V से परसेंटेज बाय मास निकालें, फिर परसेंटेज बाय मास से फिर मीनिंग निकालें, फिर मोलारिटी निकालें, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। अब W बाय V से टीचर जब उस वक्त से 10 दफा बोल रहा है कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो दूसरे में निकालना हो तो गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग, आप उसको फर्दर दूसरे में क्यों कन्वर्ट करेंगे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपका टाइम लेगा, वो आंसर सही आ जाएगा लेकिन इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। समझ में बात आई अभियान साहब? यस सर। हाँ
लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब यहाँ कितना आसान कैलकुलेशन है, यहाँ आप डब्ल्यू बाई बी से फिर डेंसिटी क्या होगा, फिर डेंसिटी की मदद फिर ये क्या होगा, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर, लिख लिया। चलिए ये लिख लिए, ये स्लाइड लिख लिए। मानसी श्रीवास्तव, आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो एक स्टार पॉइंट डालिए। रिलेशन बिटवीन, अगर आप चाहते हैं ऐसे, मेरा एकदम कंसेप्ट ये है, मेरा मशवरा यही रहता है कन्वर्जन की जो मैंने सिखा रहा हूं उस वक्त से, बिटवीन उसी से करें, बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई बी। इसमें डेंसिटी देता या ना देता, आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इंटू 10, बस डी को हटा दीजिए, डिवाइडेड बाई मोलर मास, दिस इज शॉर्टकट। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना दिया हुआ था बताइए? 6 10 बाई 40, बस 1.5। आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। यस सर, आ गया। गुड, तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए, और मैं है कि डिटेल मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए स्नेहा, आपका आंसर जो गलत हुआ था सही कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है स्नेहा? यस सर। वेरी गुड। अब आइए, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा, आप गौर से सुनिए, अब लॉजिक एक लगाता हूं मैं, आप लॉजिक को मैं समझाता हूं। देखिए कि मैं डेंसिटी का रोल सिखा देता हूं, एक तो आपको डेंसिटी का रोल होगा कि नहीं होगा तो आप मीनिंग लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ऑलरेडी है तो आपको डेंसिटी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब तक जो पढ़ा उसमें डेंसिटी का रोल सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। यस सर, आप सुनिए। अच्छा, मैं आपको समझा रहा हूँ, रुकिए। W by W और मोलारिटी है, मैं समझा रहा हूँ, एक और लॉजिक समझा देता हूँ। W by W मास रिलेटेड कंसंट्रेशन है कि वॉल्यूम रिलेटेड है? सारे लोग बताइए, ये वॉल्यूम रिलेटेड है कि मास रिलेटेड? मास रिलेटेड। मास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मास रिलेटेड। और से सुनो, मैं थोड़ा और फुल्ली कमांड दे रहा हूँ आपको, मैं और अच्छे से समझाना। एक तो मैंने तरीका समझा दिया कि आप मीनिंग लिख लें, उसी से आपको पता चल जाएगा कि डेंसिटी का इस्तेमाल होगा क्यों। अच्छा, मोलारिटी कौन सा रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड कि मास रिलेटेड? मोलारिटी किस कैटेगरी में है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कि टेम्परेचर इनडिपेंडेंट? टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। अरे ओह माय गॉड, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने कहा था जिसके, हाँ जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम हो, क्या मोलारिटी में वॉल्यूम है उर्वशी? यस सर है, सॉरी। हाँ तो हाँ, कोई बात नहीं है, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ कि रिपीट होता रहे, वॉल्यूम रिलेटेड है। जहाँ वॉल्यूम रिलेटेड रहेगा, अब एकदम, अब देखिए मैथ का कंसेप्ट लगाइए, मास रिलेटेड को वॉल्यूम रिलेटेड में आपको कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी इज रिक्वायर्ड। भाई मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी दिया रहेगा तभी तो निकालेंगे वॉल्यूम। अरे बोलिए, हेलो एवरीवन। यस, इसीलिए देखिए, yes, आप डायरेक्ट भी समझें, डायरेक्ट भी समझें क्यों। देखिए यहाँ कहाँ गया, W by W दिया हुआ था, देखिए डेंसिटी दी मैंने। अब आइए लॉजिक लगाइए, परसेंटेज W by V को मोलारिटी में कन्वर्ट करना था। आप बताइए ये वॉल्यूम रिलेटेड है कि मास रिलेटेड? जोर से बोलिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम ही। हाँ, ये मत कहिएगा मास भी है वॉल्यूम, नहीं, ओवरऑल ये वॉल्यूम ही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है। अरे मानसी, आ रहा समझ में? यस सर, आ रहा है। आप देखिए मोलारिटी वॉल्यूम रिलेटेड, अब बताइए वॉल्यूम वाली चीज को वॉल्यूम वाले ही में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या डेंसिटी की जरूरत होगी? बोलिए बोलिए, नहीं होगी। इसलिए अगर उस न्यूमेरिकल में डेंसिटी दे तो जानबूझ के देगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानबूझ के देगा माइंड डाइवर्ट करने के लिए,
तो ये सब पर भी कमांड कीजिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि डेंसिटी का इस्तेमाल होगा या नहीं, उसका तरीका ही यही है। इसलिए मैंने आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी करके समझाया। एक तो तरीका है कि आप मीनिंग लिख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरा तरीका यह भी है कि मास वाले कंसंट्रेशन को वॉल्यूम वाले में, या वॉल्यूम वाले को मास वाले में, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी की जरूरत होगी। यहां नो डेंसिटी इज रिक्वायर्ड। तो सर अगर दिया हुआ, वो दिया हुआ उससे आपको मतलब क्या है? अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही तो है कि दिया हुआ रहे या ना दिया रहे, हमें जो चाहिए वो करेंगे। तो बताइए, ये दूसरा कंसेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से आया कि नहीं? यस आया। लिख लें इसको। दिक्कत तो नहीं आ रही है ना मोलारिटी में? जल्दी बोलिए हाँ या ना। नो सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कोई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब आइए मिसलेनियस, बहुत ही मोलारिटी का सबसे फेवरेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछा जाएगा, इवन कि आपको स्कूल में भी पूछा जाएगा अच्छे क्वेश्चन के फॉर्म में। क्या मैं आगे बढ़ूँ? जल्दी बताइए। यस आप सुनिए, मैं इसको समझाऊंगा और दूसरा मैं आपको दूंगा। इस क्वेश्चन पर जितना स्टार पॉइंट डालिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, नथिंग इज गिवन। बस यही क्वेश्चन का है, नथिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। डू यू अंडरस्टैंड? क्या कह रहा है जल्दी बताइए, क्या कह रहा है? फिर से बोलिए, मोलारिटी क्या निकालें? Of pure water. Pure water. This question is very important. और इसके बेसिस पर मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा। क्या सारे लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन को? 10 सेकंड पढ़िए मन में सारे लोग। क्या कह रहे हैं? Pure water different होते हैं? नहीं नहीं, बात वही है, वाटर भी लिख दे या प्योर भी लिख दे, एक ही बात है। वाटर भी लिख सकता है, वो जान बुझ के लिखा प्योर वाटर का मतलब उसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना? समझ गए साइंटिस्ट मानसी? Yes, लैंग्वेज है, हाँ, वो जान बुझ के लिखा है। और अब गौर से सुने सर, मोलारिटी तो सॉल्यूशन का निकलता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होना चाहिए, समझ रहे ना? तो अब यहां पर हम प्योर वाटर की मोलारिटी कैसे निकालें? इसका कुछ हिस्सा मैं मोल में पढ़ा चुका हूं, तो जब भी आप सुनिए अच्छे से, प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी कहे, प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी जब कहे, यहां देखें कि आपको डेंसिटी ऑफ वाटर की जरूरत होगी। क्या मैंने मोल में सबको पढ़ाया है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? यस सर, 1 ग्राम पर एमएल। सिर्फ 1 नहीं बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, 1 ग्राम पर एमएल। बताइए आया या नहीं आया, बताइए सारे लोग। यही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और ये आपको याद होनी चाहिए, बाकी का याद नहीं रखना, वो क्वेश्चन में दिया है। अब इस डाटा से सारा इंफॉर्मेशन निकालिए। 1 ग्राम पर एमएल, तो मास ऑफ वाटर 1 ग्राम, तो इसी का मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा इंफॉर्मेशन, 1 ग्राम पर एमएल, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 1 ही होगा। अरे बोलिए ना सारे लोग। यस सर, 1 ml, बस बोलो। तो मोलारिटी वाटर का कह रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम 1/18 × 1। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना जल्दी बताइए? 1000 ऊपर चला जाएगा, तो क्या मोल कंसेप्ट में पढ़ा था ना 55.5 मोल, यहाँ पर ये मोलारिटी भी हो। This is very very important, 55.5, दो स्टूडेंट ने आंसर भी दे दिया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है इसमें जल्दी बताइए। स्नेहा,
दिव्यांशी अध्यांशु अक्षत गुलामी मानसी डेंसिटी आप डेंसिटी से आप निकाल लेंगे मास ऑफ वाटर 1 ग्राम तो मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास 1 ग्राम पर एमएल तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर एमएल तो बस मोल्स को उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए वाटर के मोल्स को उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो 55.5 आ जाएगा डिड यू अंडरस्टैंड सर आपने 55.5 के बाद क्या लिखा है सर मोल पर लीटर यूनिट 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 ओके सर आया सबको समझ में जल्दी बताइए यस सर यस सर वेरी गुड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के मैं लेक्चर को खत्म करूंगा तो ये है मोलारिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट का निकालना सुहानी आपको तो आ ही गया होगा आयुष आपको आ ही गया होगा हाँ तो आपका देखिए हाँ सुहानी आपको आ गया था ना समझ समझ के बनाया था ना वेरी गुड दियांशु आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं दियांशु यस सर आ गया समझ में अब जिसको आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आप सारे लोग आंसर देंगे Has everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. Last question ask lecture ka. Calculate the molarity of pure acetic acid. Aapko density of acetic acid ka formula density yahi hota hai. 1.5 ग्राम पर एमएल दिया हुआ चलिए बनाइए सारे मैंने जिस तरह समझाया 1 ग्राम पर एमएल मास 1 ग्राम वॉल्यूम पर एमएल स्नेहा और पुलामी पिछला आपको आया था ना समझ में पुलारिटी या प्योर वाटर बताइए दोनों यस सर गुड चलिए सर एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या ये नीचे लिख दिया ना आप लगता क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं देखिए हाँ हाँ कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 16 हाँ ये मैंने लिख दिया है डेंसिटी की डाटा की मदद से आप मास और वॉल्यूम निकालेंगे बहुत लेट हो गया तुम्हारा आयुष आपने इससे पहले का आंसर बहुत तेजी से दिया था क्यों नहीं अच्छा बताइए सारे लोग अच्छा बताइए तो मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना लेंगे तुम्हारा आयुष अक्षत सारे लोग बताइए सर आंसर भेजा ठीक है 1.5 बस हाँ वेरी गुड मास ऑफ एसिटिक देखिए जो ये वैल्यू रहे ग्राम के साथ जो वैल्यू रहे वही मास हो गया बताइए स्नेहा पुलामी मानसी एंड उर्वशी अध्यान दिव्यांश yes. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड गिवन मास बाय मोलर मास 60 आया तो आपको 15/600 आया 1/40 और वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड कितना बोल दीजिएगा हमेशा वही रहेगा पर एमएल वन एमएल हाँ वेरी गुड तो मोलारिटी क्या हो जाएगी 1/40 × 1000 से डिवाइड 1000 पर बोलिए सबको समझ में आया 25 मोल पर बताइए जैस तरह समझाया था उसी तरह ये आया कि नहीं सारे लोग मिलके बोलिए कुमार आयुष गलती का एहसास हुआ सर क्लोज था 25 मोल पर लीटर
तो बताइए आप तो आपको आप समझ में आ गया होगा सबको कि हम डेंसिटी की डाटा से मास निकाल लें, पर एमएल हमेशा रहेगा, मोल्स ने, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है कि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी कैसे निकाली जाएगी। स्नेहा पुलामी बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए सर वॉल्यूम सर आपने सर 1 ml क्यों लिया सर? अरे यार पर एमएल का मतलब 1 ml, यहाँ भी कितना लिया पर एमएल, 1 ml हमेशा डेंसिटी में पर एमएल रहेगा, वॉल्यूम हमेशा 1 ml लेंगे ना, टीचर समझा था क्या रहते हो अध्ययन, पर एमएल 1 ml 1 ml। हाँ ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा नुकसान है, टीचर जब समझा रहा हो तो उसकी बात सुने अच्छे से, क्योंकि टीचर की नजर रहती नहीं है, टीचर जब समझा रहा हो सारे सुन को सुनना चाहिए, पर एमएल वॉल्यूम 1 ml ही लेंगे। चलिए ओके बाय बाय थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, संडे को मोल कंसेप्ट का दोबारा रिविजन होगा, सारे लोग आएंगे, टाइम आपको भेज दिया जाएगा। ओके बाय बाय एवरीवन।